वेलकम टू TTI, साइंस फन और मशीन्स की एक नई दुनिया में आपका स्वागत है। इंडेलिकाटो टेक को 1946 में दो भाइयों ने मिलकर एक खास मशीनरी के तौर पर बनाया था। फिर उन्होंने फ्राटेली इंडेलिकाटो नाम की एक कंपनी बनाई जो इस प्रकार के जूसेस निकालने वाली मशीन्स और प्लांट्स बनाती आ रही है। इनकी पहली मशीन फलों का जूस निकालती थी। 1948 में इसे लाइसेंस मिला हुआ था और इसमें खूबी ये है कि ये हर घंटे लगातार 4800 फ्रूट्स का रस निकाल देती है। ये सारी मशीन सिट्रस ग्रुप के सारे फलों पर काम कर सकती है क्योंकि इन सब फलों में तेल और रस की बहुत ज्यादा मात्रा पाई जाती है। आमतौर पर एक जैसे साइज के फलों को प्रोसेस करना ज्यादा आसान होता है और इंडेलिकाटो टेक जैसी मशीन संतरे, नींबू, नारंगी, अंगूर, चकोतरा और किन्नू जैसे हर सिट्रस फल को निचोड़कर उसका जूस निकालती है, बल्कि पाइनएप्पल्स, अमरूद, पपीता और खरबूजे भी इसमें प्रोसेस किए जाते हैं। ये सारी गजब की मशीन तकरीबन 20 टन जितने फलों को हर घंटे में निचोड़ लेती है और इनकी देखभाल का बहुत ही थोड़ा या बिल्कुल ना होने के बराबर खर्चा आता है। फेटोरिया स्कैलब्रिनी। स्कैलब्रिनी कंपनी 1940 में बनाई गई थी। ये एक पूरे प्रोसेस से गुजर कर बनने वाला प्रोडक्ट है और वैसे भी पार्मिजियानो रेजियानो के पैदावार कई हजार बरसों से चली आ रही है। इस प्रोडक्ट को बनाते हुए कंपनी पूरे आजमाए हुए तरीके पर ही काम करती है ताकि फाइनल प्रोडक्ट हमेशा सेहतमंद और न्यूट्रिशनल रहे। पहले तो इस प्रक्रिया में खेत खलियान में मवेशियों के लिए चारा उगाया जाता है और अच्छी तरह उनको चारा खिलाया जाता है ताकि वे ज्यादा मात्रा में दूध देती रहें। इसके बाद मास्टर शेफ उनकी हासिल किए गए दूध की छानबीन करते हैं जिनमें वो पनीर बनाने के लिए कुछ केमिकल्स की खास मात्रा का ध्यान रखते हैं। ये होने के बाद दूध को तकरीबन 1000 वर्ष पुरानी बेनेडिक्टीन सिस्टेरियन की मशहूर रेसिपी के मुताबिक पकाया जाता है। फिर जब दही भी घुल जाती है तो पनीर को बॉयलर के नीचे से ऊपर की ओर निकाला जाता है और एक स्पेशल सीरम द्वारा लटकाया जाता है। नेक्स्ट स्टेप में एक साफ लिनन कपड़े से पनीर को इकट्ठा किया जाता है और इसके बाद आसानी के लिए इसे दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाता है। ये हिस्से फिर टेफ्लॉन की कोटिंग और स्टील के बने सांचों में खास शक्ल देने के लिए रखे जाते हैं। हैंटीमैन VF608 प्लस। अगर आप मार्केट में वैक्यूम फिलिंग टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं तो हैंटीमैन VF608 प्लस को जरूर देखें। ये अपनी बेहतरीन कारगर्दगी और अलग अलग खूबियों के साथ आती है और अपने जैसे दूसरे प्रोडक्ट्स के मुकाबले में ये ज्यादा आजमाई हुई और उम्दगी के साथ काम करने वाली मशीन है। VF608 प्लस को कई प्रकार के प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है जिसमें मांस को गोल लंबे हिस्सों में शक्ल देकर निकालते रहने का काम भी शामिल है। बहरहाल अगर आप मशीन की जटिलता से परेशान है तो अपने डर को बिल्कुल एक तरफ कर दें क्योंकि हैंटीमैन VF608 प्लस नए लोगों के लिए एक आइडियल वैक्यूम फिलिंग टेक्नोलॉजी है जो खास छोटे और मिड रेंज के प्रोड्यूसर्स के लिए बहुत अच्छी है। हैंटीमैन VF608 प्लस असल में VF608 का एक बड़ा मॉडल है जो मुश्किल काम भी सहूलियत के साथ करने की क्षमता रखती है, बल्कि कहते हैं कि इस मशीन द्वारा पके पकाए हैम बनाने का सारा प्रोसेस ही बदल गया है क्योंकि ये मशीन हैम के लिए छोटे छोटे हिस्सों को पूरी बनी बनाई शक्ल में तैयार करके लगातार निकालती जाती है। पिछले दोनों मॉडल्स में VF612H एक मिड साइज वैक्यूम पैकिंग मशीन है जिसे मिड साइज में मांस और सॉसेज वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेमको फूड इक्विपमेंट मतलब कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन। ये टूल्स आपको कई तरह के ऑप्शंस देते हैं ताकि आप अपने खाने की लिस्ट को बढ़ा सकें
और साथ में अपना मुनाफा भी। कटाई छटाई करने के लिए ये वाइड रेंज ऑप्शंस में आती है। आपको अनानास रखने से पहले इसके टॉप और बॉटम सेक्शंस कट करने होते हैं, फिर एक लेवर दबाकर इसके बीच का रसीला हिस्सा निकाला जाता है। इसके लिए इजी पाइनएप्पल पीलर मशीन में इसके लेवर को ऊपर से नीचे करके आसानी से फल के छिलके और गूदे को अलग किया जाता है। एक बार आपने अगर छिलके को अलग कर लिया तो आप अनानास को इजी स्लाइसर में रखकर इसके रसीले स्लाइसेस बाहर निकाल सकते हैं। अगर आपको पाइनएप्पल स्लाइसेस में पसंद नहीं तो इजी चॉपर द्वारा आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सरमोंट। सरमोंट ब्रांड की मशीन्स टॉप क्वालिटी की होती हैं, खासकर इनके अवंस और सांचे बनाने वाली मशीन्स। इस ब्रांड ने पूरे स्पेन में दूसरी कंपनीज को भी टेक्निकल हेल्प दी है। गिराओआ इनकी बेहतरीन मशीन्स में से एक है, जो खासकर चॉकलेट को स्फेयर शेप में ढालने के लिए बनाई गई है। आमतौर पर इससे ईस्टर एग्स या चॉकलेट के खोल तैयार किए जाते हैं, और ये मशीन खुली जगह में चॉकलेट को अंडे की शक्ल देने के लिए 360 डिग्री में घुमाती है। ये मशीन पूरी तरह जंग ना लगने वाली स्टील की बनी हुई है, और इसके काम करने के कुछ स्टेप्स हैं। पहले तो इसमें चॉकलेट को 1 kg जितनी जगह वाले स्फेरिकल सांचे में डाला जाता है, फिर इन सांचे को बंद करके मशीन के हवाले कर दिया जाता है। इसके बाद मजेदार चॉकलेट के बड़े बड़े लड्डू तैयार ही समझो आपके लिए। एक और मशीन जो आपको पसंद आएगी वो है डेकोरेटर T20 T35, जिसमें मिठाइयाँ बिस्किट्स वगैरह इस मशीन के कन्वेयर पट्टी पर मूव की जाती है, और ऊपर से इन पर मजेदार चॉकलेट की परत भी गिराई जाती है। क्वालीमार्क मशीन्स। हिंदुस्तानी खाना किसी न किसी तरह हम सबको ही पसंद होता है। इंडियन फूड्स में सबसे इम्पोर्टेंट चपाती मानी जाती है, इतनी अहम कि इसके बिना हिंदुस्तान में एक हफ्ता भी गुजारना मुश्किल हो जाता है। इस मुश्किल से बचने के लिए एक हिंदुस्तानी कंपनी क्वालीमार्क मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड ने ये ऑटोमेटिक चपाती बनाने वाली मशीन तैयार की है। आपको केवल आटे की लोई बनाकर उसको मशीन के एक तरफ से डालना होता है, और फिर देखते जाइए कि कैसे मशीन्स आटे की उस लोई को गोल चपाती की शक्ल देकर इसे पकाने के लिए आगे कन्वेयर पट्टी पर सरकाती जाती है। इसमें चपाती को 360 डिग्री में चारों ओर से सेंका जाता है, और इसके अंदर गर्म हवा भरकर परफेक्ट चपातियां निकाली जाती हैं। माया एग कलेक्शन सिस्टम। दुनिया की जानी मानी पोल्ट्री कंपनी ने अंडों को इकट्ठा करने के लिए एक बेहतरीन सिस्टम बनाया है, जिसे माया काफे कहते हैं, जिससे वक्त और मेहनत दोनों की बचत हो जाती है। इस मशीन में अंडों को उठाने के लिए एलिवेटर और मूव करने के लिए कन्वेयर दोनों सिस्टम्स मौजूद हैं। इससे अंडे हर ब्लॉक्स और फ्लोर से गुजरते हुए कन्वेयर पट्टी पर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के लिए कन्वेयर बेल्ट, रेड्यूसर्स और एलिवेटर्स यूज होते हैं, जो फर्स्ट क्लास मोटर से लैस होते हैं और अंडों को नरमी से हैंडल करते हैं, वो भी बिना झटका दिए। अंडों को इकट्ठा करने वाली ये मशीन कम समय में ही 50 लाख से ज्यादा अंडे प्रोसेस कर लेती है। चीबा। चीबा ऐसे लोगों के लिए बनी है जिन्हें गोभी काटना बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये सिंपल और कारगर डिवाइस है, जिसे जापानीज कंपनी चीबा कोगियो सियो कंपनी लिमिटेड ने बनाया है। इसमें सिंपली गोभी को डिवाइस के बीच वाली रॉड में लगाना होता है, और फिर इसके हैंडल द्वारा इसे घुमाते रहना होता है, जिससे इसके तेज धार वाले ब्लेड्स गोभी को बराबर कुतरते जाते हैं, और यकीनन ये डिवाइस वक्त की बहुत बचत करती है। तो दोस्तों, यहाँ 8 बेहतरीन फूड इंडस्ट्री की मशीन्स की लिस्ट समाप्त हुई। आपके ख्याल में कौन सी मशीन जबरदस्त थी, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियोस मिस ना हो जाएं। फिर मिलते हैं, टेक केयर।